आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में हाईवे के किनारे हजारों हेक्टेयर जमीन कब्जाई गई है, जिसे पुष्कर सिंह धामी सरकार धीरे धीरे खाली करवा रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कल टिहरी के घनसाली में 60 साल पुरानी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया था और आज धामी का बुलडोजर जोशीमठ के अवैध मकानों पर चला है। आपको बता दें कि जोशीमठ बाजार समेत बद्रीनाथ हाईवे तक हाल ऐसा है कि जहां नजरें घुमाओ वहां अतिक्रमण दिखाई देता है। यह अतिक्रमण जोशीमठ से विष्णुप्रयाग तक फैला हुआ है। इन जगहों पर अतिक्रमण कर कहीं दुकानें खोली गई हैं तो कहीं जमीन कब्जा कर पार्किंग बनाई गई है, जिसके बाद आज प्रशासन ने एक एक करके सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया। उत्तराखंड में तेजी से हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख भी बेहद सख्त है। राज्य के अधिकांश जिलों में तेजी से जमीनें खाली करवाई जा रही हैं। जोशीमठ में भी एसडीएम कुमकुम जोशी प्रशासन को साथ लेकर तेजी से अवैध कब्जा खाली करवा रही हैं। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जितने भी जगह हाईवेज हैं उनके किनारे जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं उनको तत्काल रूप से हटाया जाए। उसी के क्रम में आज जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्र में अभियान चलाया गया, जिससे नगरपालिका की सीमा जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक समाप्त होती है वहाँ पर समस्त अतिक्रमण हटाए जाए। जोशीमठ में प्रशासन के बुलडोजर ने बद्रीनाथ हाईवे को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। यहां तक कि जोशीमठ में भूदसाव वाले इलाकों में भी जहां जहां अतिक्रमण किया गया था वहां भी अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है। शहर के जिन होटलों की सीढ़ियां बद्रीनाथ हाईवे पर आ रही थी उन्हें भी तोड़ा गया है और यह एक्शन तब तक चलने वाला है जब तक कि जोशीमठ का पूरा इलाका अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। उत्तराखंड तक के लिए जोशीमठ से कमल नयन की रिपोर्ट।